मेरा सबसे जो छोटा बेटा है मोहम्मद, उसे हॉस्पिटलाइज किया गया है, उसे 3 वायरस पॉजिटिव आए हुए हैं। सो अभी वो आईसीयू में, उसे एक्स्ट्रा पंप की जरूरत है। एक रात ऑक्सीजन फ्लो पे रखा, अभी तक वो वेंटिलेशन पर है, हैवी ब्रीदिंग थी उसकी, उसे रोशनी से तकलीफ ना पड़े। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है थोड़ा सा सैड, लेकिन उसे भी हम रिकॉर्ड करते हैं, शायद किसी को कुछ काम लग जाए। मेरा सबसे जो छोटा बेटा है मोहम्मद, उसे हॉस्पिटलाइज किया गया है, उसे 3 वायरस एक्टिव पॉजिटिव आए हुए हैं। एक है बोका वायरस, कोविड OC43, जो सबसे पहला कोविड आया था वो कोरोना वायरस, और RSV, ये 3 वायरस पॉजिटिव आए। सो अभी वो आईसीयू में, उसे एक्स्ट्रा पंप की जरूरत है, होपफुली आज उसे नॉर्मल बेड पर डिस्चार्ज करेंगे। सो लेट्स सी। तो उसे हम यहाँ की जो बड़ी हॉस्पिटल है, बेसमेंट हॉस्पिटल, जो मेरे घर से तकरीबन नज़दीक ही है, 15-20 मिनट के ड्राइव है, वहाँ पर उसे लेकर आया है। और अभी उसकी कंडीशन अच्छी है। पहला दिन जो लेकर आए थे, परसों रात को हम लेकर आए शाम को, उन्होंने डायग्नोज किया, एक रात ऑक्सीजन फ्लो पे रखा, और उसके बाद कल पूरा दिन और आज अभी तक वो वेंटिलेशन पर है। यानी मेन प्रॉब्लम ये थी कि वो उसकी ब्रीदिंग हम ज़्यादा लगी, इसलिए हमें उसे लेकर जल्दी निकले, हैवी ब्रीदिंग थी उसकी। सो अभी तो ठीक है वो, आपको यहाँ की हॉस्पिटल भी बता देता हूँ और साथ में मोहम्मद की मुलाकात भी करा देता हूँ। ये जो देख रहे हो आप, वो बेसमेंट हॉस्पिटल का कार पार्क है, थर्ड फ्लोर पे कार पार्क की है। और यहाँ पर ये हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी सारे वार्ड है, काफ़ी सारे बिल्डिंग्स हैं। तो पहले दिन उसको बिल्डिंग 10 में था, आज नज़दीक की बिल्डिंग में। यहाँ की जो सर्विस के बारे में बात करें, फ्रेंड सर्विस है उनकी, बच्चे का बहुत ही केयर करते हैं। जो ICU में था तब उसे एक रिसोर्स दिया गया था, डेडिकेटेड नर्स दी गई थी, 24/7 उसका ध्यान रखते थे। अभी उसकी कंडीशन अच्छी है, तो शायद उसे जनरल बेड वहाँ पर मूव करेंगे, लेकिन यहाँ का जनरल बेड भी 5-star होटल जैसा ही होता है, तो भी आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे बिल्डिंग्स है, यहाँ पर मेडिकल यूनिवर्सिटीज, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, बड़ों के लिए भी हर तरीके ऑपरेशन वगैरह यहाँ होता है। सामने देख रहे हो काफ़ी दूर हॉस्पिटल चालू होता है, पीछे तक जाता है, सारी जो बिल्डिंग्स दिख रहे हैं उसमें यूनिवर्सिटी वगैरह सब है। तो अभी हम चिल्ड्रन इमरजेंसी वार्ड जो है वहाँ पर जा रहे हैं। यहाँ पर आपको हॉस्पिटल का चेकिंग करना है, और आपको चेकिंग करने के बाद ही अंदर जाना देंगे, कि पहला टेम्परेचर चेक वगैरह सब होता है। आपको देख सकते हो बच्चों के हॉस्पिटल, डॉक्टर्स भी आपको यहाँ पर इस तरह से दिखेंगे, जो क्लाउन के ड्रेस में होंगे, बच्चों को हेल्प करने के लिए। आप अपनी बॉटल भी रिफिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत होटल है, कोई होटल ही बोल सकते हो, अंदर हर चीज़ है आपके लिए, फेमस की दुकान है, होटल्स है, अंदर रेस्टोरेंट्स है। हमारा बेटा ICU में है, तो उसके लिए उन्होंने बाकायदा रूम दिया हुआ है पेरेंट्स को रहने के लिए। हर जगह पर आपको इससे मशीन मिलेंगे, नमाज का भी टाइम हो गया तो जनरल प्रेयर रूम भी है यहाँ पर। सो ये देख सकते हो छोटा सा प्रेयर रूम है, यहाँ पर क्रिश्चियन मुस्लिम सब आके प्रे कर सकते हैं, हर कोई धर्म का, और अपना मसल्ला बिछाओ यहाँ पर पढ़ सकते हो। ऑलमोस्ट हर एक बिल्डिंग में आपको ये मिलेगा ये ऑप्शन। यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग है वेस्टमेट की, वॉशरूम में वजू कर लेना है और आप यहाँ पर आकर प्रे कर सकते हो। यहाँ पर 3 रूम है, लेकिन अभी एक ही रूम ओपन है इस बिल्डिंग में, 1, 2, 3। सो ये ऊपर जाने का रास्ता है, आप लिफ्ट से भी जा सकते हो, लेकिन रास्ता मुझे अच्छा लगता है इसके लिए यहाँ से जा रहा हूँ। जब पीछे जो रेस्टोरेंट देख रहे हो, बियर बारिस्टास, ये काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट है, खाना अच्छा है, हलाल अच्छा ऑप्शन है, ओनर मुस्लिम है, तो आप हलाल ट्रस्ट कर सकते हो। सो ये है ICU वार्ड, जहाँ पर बेबी मोहम्मद को रखा गया है। कंप्लीट मॉनिटरिंग, सारे इक्विपमेंट वगैरह मौजूद है, डीम लाइट में रखा हुआ है ताकि उसे रोशनी से तकलीफ ना पड़े। ये देख सकते हो उसके हाथ में भी लगाई हुई है, हॉस्पिटल वाले काफ़ी अच्छी केयर करते हैं। इनका ICU डिपार्टमेंट है। थैंक यू ऑल, सो नाइस स्टोरीज, दिस आर द अमेजिंग स्टोरीज। काफ़ी बड़ी टीम है, हर जगह पर पेरेंट्स का रूम होता है, यहाँ पर भी पेरेंट्स का रूम, आप जाकर जो भी खाना है नाश्ता वगैरह करना कर सकते हो। सो ये पेरेंट्स रूम है, यहाँ पर आके खाना खा सकते हो, टीवी देख सकते हो, यहाँ पर सब कुछ कॉफ़ी वगैरह भी अवेलेबल होता है, खाना गर्म कर सकते हो, कॉफ़ी बनाओ, पीनट बटर वगैरह सब है, टोस्ट के लिए ग्लासेस वगैरह सब है, दूध ब्रेड सब कुछ है अंदर, जो भी इस्तेमाल करना कर सकते हो।
बॉइल वाटर भी आता है यहाँ पर और काफ़ी अच्छा व्यू भी है यहाँ पर। शायद अभी बारिश की वजह से बंद है, नहीं तो बाहर बैठकर भी खा सकते हो। एक दूसरा भी किचन है, वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ आप चाय वगैरह पी सकते हो, दूसरे किचन में जो भी चीज़ें आप खा सकते हो अगर लेबल नहीं है तो। यहाँ पर आप जो भी लेबल नहीं लगा वो भी खा सकते हो आप। ये है गवर्नमेंट की हॉस्पिटल, हर एक चीज़ अवेलेबल है। जो भी फ्रूट वगैरह खाना है आपको, जो भी खाना खा सकते हो, योगर्ट वगैरह अगर इस पर लेबल नहीं आप खा सकते, मतलब किसी और का नहीं है। ऑरेंज वगैरह है, बच्चों की जेली भी रहती है यहाँ पर, बच्चों के लिए आइसक्रीम भी रहता है। तो खाना होता आइसक्रीम भी, आपको आइसक्रीम खाना है, कैंडी वगैरह सब कुछ है। ये सारा बेबी के फॉर्मूलाज और बेबी के खाना है। यहाँ पर आप बच्चों का दूध स्टोर कर सकते हो इस तरह से लंबे टाइम के लिए। बच्चों का फॉर्मूला वगैरह यहाँ पर सब रेडी होता है, हर एक चीज़ की सुविधा है यहाँ पर। आपको जो भी नाश्ता वगैरह चाहिए, बटर, पीनट बटर, मैगी, टमाटर सॉस, हर एक चीज़ अवेलेबल। बाय बाय मोहम्मद। Yeah, we are transferring to the different place. Thank you. हम दूसरी बिल्डिंग में ट्रांसफर कर रहे हैं। सर नकली है, असली नहीं है ये। यहाँ पर हम आ चुके हैं, ये यहाँ का बेबी का रूम है, देख सकते हो। एक रूम में सर 6 बेड है, और बेड वगैरह आपके पास है, ऊपर टीवी है, आपको फ्री वाईफाई भी मिलेगा यहाँ पर। ये रात का डिनर आ चुका है, नॉर्मली ये मामा को प्रोवाइड करते हैं, जो भी बच्चे की माम है उसके लिए। अगर आप पेशेंट हो तो पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अभी बच्चा बहुत छोटा है तो उसकी माम को ये प्रोवाइड करते हैं। उसके अंदर आप देख सकते हो फिश, मैश पोटैटो, यहाँ पर ब्रेड है, और ये कुछ ये स्वीट है, और ये फ्रूट है, कुछ बिस्किट्स वगैरह है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप आईसीयू में या आपका बच्चा आईसीयू में, तो आपको ये लोग होटल भी प्रोवाइड करेंगे। इसको हॉस्टल बोलते हैं। यहाँ पर 100 किलोमीटर्स के बाहर हो तो फ्री ऑफ चार्ज देंगे, 100 किलोमीटर्स के अंदर हो तो 26 डॉलर समथिंग पर नाइट, 24 घंटे का चार्ज करेंगे। अभी कोविड का मसला चल रहा है, बच्चे घर पर अकेले अकेले इतनी नाना नानी है, सोचा यहीं रूम ले लेता हूँ। तो अभी 26 डॉलर में पर नाइट दिया हुआ है। कैसा रूम देते वो भी आपको बताता हूँ मैं। रात को 11:15 बजे यहाँ पर एक साइड में छोटा सा रूम दिया हुआ है, शायद हर बिल्डिंग के अंदर इस तरह से होता है। जहाँ पर आईसीयू जो होता है, आईसीयू वार्ड, वहाँ तो होता ही है। यहाँ पर आपको टॉवल, कंबल, चद्दर वगैरह जो भी चाहिए सीधे आप उठा सकते हैं, घर नहीं ले जा सकते आप अपने यूज़ के लिए। काफ़ी नीट एंड क्लीन है यहाँ पर। ये अगर आपको खाना वगैरह खाना है, फ्रिज वगैरह दिया हुआ है, और माइक्रो वगैरह सब कुछ है, तो आप चाय वगैरह बनाना तो बना सकते हो। लोग अपना खाना यहाँ पर रखते हैं, आप अपना खाना भी रख सकते हो। सो काफ़ी अच्छी सुविधा दी हुई है, टीवी वगैरह सब है, यहाँ पर आराम से बैठ सकते हो आप, फैमिली डिनर भी कर सकते हो। अपने रूम की ओर चलते हैं। ये लॉन्ड्री रूम भी दिया हुआ है, शायद 2 डॉलर के कॉइन से चलता है। यहाँ पर कपड़े धो सकते हो 2 डॉलर में, और 2 डॉलर में कपड़े सुखा सकते हो, तो कपड़े सुखाने के लिए। ये शेड, टॉयलेट शेड, वॉशरूम, नाना धोना शेड में। यहाँ पर ऐसा छोटा सा कमरा दिया हुआ है, 2 लोग आराम से रह सकते हैं। कर दिया, और छोटा सा बेसिन है, फ्रिज है, टेलीफोन, पेन, बिस्तर दिए हुए। आप देख सकते हैं मैं कल यहाँ सोया था, इसलिए वजह से जैसा बिखरा हुआ पड़ा है, लेकिन आपको साथ में चद्दर, टॉवल वगैरह सब देते हैं, बिस्तर वगैरह सब देते हैं, आपको तकिए के कवर भी देते हैं। आपको खुद करना है, यहाँ पर कोई आपको करके नहीं देगा कुछ भी। सो ऐसा छोटा सा रूम मिलता है 26 डॉलर पर नाइट। सो बाकी का कल देखते हैं। गुड मॉर्निंग, सो आज day 3 है, सुबह के तकरीबन 6:30 बज चुके हैं, नमाज पढ़ के रेडी हो चुके हैं। अब आज का दिन वही काम लेकर बैठते हैं, थोड़ा बहुत ऑफिस का काम बाकी। और दूसरे एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, कल रात को जब मैं यहाँ आ रहा था, ये रूम बहुत अंदर है, एकदम अंदर की साइड है, तो वाइफ बोल रहे थे आप अकेले मत जाओ वहाँ पर, डर सा लगता है किस तरह से इतनी बड़ी हॉस्पिटल में रहने का, ये वो। नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही चलता है। यहाँ पर आया, नमाज पढ़ी, उससे पहले सो रहा था, तब मोबाइल पे ऐसे ही वीडियो देख रहा था, एक दो हॉरर की वीडियो आया उसमें थोड़ी फटने लगी। क्यों? क्योंकि ये सोचने लगा इतनी बड़ी हॉस्पिटल, रोज हजारों लोग मरते होंगे यहाँ पर, कितनों की आत्माएं घूम रही होंगी, फिर वो दिमाग में चलने चालू हो गया। सर थोड़ी फटी थी, लेकिन इट्स ओके, पढ़ के सो गया, सुबह हो गई। चलिए आज का दिन शुरू करते हैं, तो चलते हैं
आज का सफर शुरू करते हैं। फ्रेश हो गए नहा धो के, कपड़े वही पहने, डोंट जज। खाना है बच्चों का, ये अपने पेरेंट्स के लिए। और इनका मेन्यू ऐसा रहता है, आपको फिलअप करके दे देना 10 बजे पहले। यहाँ पर पेरेंट्स इन केयर रिसोर्स सेंटर है। यहाँ पर एक लवली लेडी है, तो मेरे लिए कॉफ़ी बना रही है। कुछ आपको क्या चाहिए, कॉफ़ी वगैरह बना रही है। ये टाइमिंग्स है यहाँ के, तुम देख सकते हो। नाइस सेटअप, थैंक यू सो मच, रियली काइंड। व्हाट्स योर नेम? लीना। लीना, आई गो वेरी लवली कॉफ़ी फ्रॉम लवली लेडी लीना। आज है day 5, फ्राइडे है। मंडे को आए थे दोपहर में, फ्राइडे मॉर्निंग है। 5 दिन रखा, जा रहे हैं हम घर। बेबी ओके, ही इज रिकवरिंग, बट स्टिल लाइक 2 वीक लगेंगे और।